छत्तीसगढ़ में मल्टीप्लेक्स सिनेमा संचालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण से जुड़े सभी लोगों ने मल्टीप्लेक्स बंद कराने की चेतावनी दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ी सिनेमा एसोसिएशन मल्टीप्लेक्स में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रदर्शन नहीं होने से खासी नाराज है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी कलाकारों का अपमान सर्वविदित है, तो इस तरह वो लोग अपने अपमान से किस तरह से कार्य प्रणाली बना रहे हैं और आगे वो क्या करेंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो 5 तारीख को वो महासंघ करने वाले हैं, तो उसके लिए उनकी क्या रणनीति बनाई गई है जिसके लिए आज वहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे कलाकार मौजूद है जिसमें अभिनेता है, डायरेक्टर, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। जी, आज आप लोगों ने रणनीति के लिए बैठक बुलाई है, क्या कुछ तय हुआ है? इसमें तय हुआ है कि 5 जून को जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, जितने रायपुर शहर में सिर्फ रायपुर शहर में जितने मल्टीप्लेक्सेस हैं, वहाँ हम पूरे कलाकार टेक्नीशियन छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के सारे कलाकार, सारे टेक्नीशियन, सारे प्रोड्यूसर, सारे संस्थाओं के जितने भी यहाँ पर एसोसिएशन है, सारे लोग वहाँ जाएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ जो पब्लिक आएगी उनको कहेंगे कि आप हमारे समर्थन में, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्में ये मल्टीप्लेक्स वाले नहीं लगाते, इसलिए आप प्लीज हमारे समर्थन में एक दिन फिल्म मत देखिए। ये हमारी योजना है और ये हम कर रहे हैं। किस तरह से समस्या हो रही है छत्तीसगढ़ में जिसके लिए आप लोग आज संगठित हुए? देखिए, छत्तीसगढ़ी फिल्मों को मल्टीप्लेक्सेस में स्थान नहीं दिया जा रहा है। वो सारे मल्टीप्लेक्सेस जो मुंबई से संचालित होते हैं या अमरावती से संचालित होते हैं, वैसी सिंगल थिएटर्स में भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे को, जिसके लिए हम लोगों ने राजनांदगांव में इसका कड़ा विरोध किया और हिंदी फिल्म को उतरवा के वापस हमारी फिल्म लगवाई गई। उसके बाद से ये मल्टीप्लेक्स में हमारा अभी धरना प्रदर्शन है 5 तारीख को कि वो छत्तीसगढ़ी फिल्मों को अपने प्राइम टाइम में शोज दें और छत्तीसगढ़ी फिल्मों और वहाँ की संस्कृति और भाषा को एक सम्मान प्रदान करें। मल्टीप्लेक्स के जो मालिकों हैं उनके द्वारा क्या बताया जाता है कि ये फिल्म नहीं लगाने के पीछे के कारण? मल्टीप्लेक्स वालों का हमेशा ये कहना होता है कि छत्तीसगढ़ की ऑडियंस जो है वो हमारे मल्टीप्लेक्स हमारे मॉल के लायक नहीं है, वो हमारे मॉल में आके उतना खर्च नहीं कर सकती, हमारा पॉपकॉर्न नहीं खरीदती 250 रुपये में। तो मेरा उनसे ये हमेशा सवाल होता है कि आप सिनेमा का लाइसेंस लिए हो, आपने मनोरंजन का लाइसेंस लिया है, आपने रेस्टोरेंट का लाइसेंस नहीं लिया है, आप रेस्टोरेंट क्यों चला रहे हो वहाँ पे? और ये क्या जरूरत है कि कोई आएगा तो 250 रुपये का पॉपकॉर्न खरीदेगा तभी आप उसको फिल्म दिखाओगे? इस बात का हम कड़ा विरोध करते हैं और इसके लिए हमने ये बात रखी है कि रायपुर शहर के 5 जून को हम मल्टीप्लेक्स गांधीगिरी के तरीके से बंद कराएंगे और सबको ये कहेंगे कि उस दिन ये फिल्म ना देखें। अगर आप लोगों की मांग मल्टीप्लेक्स के मालिक नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे, आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? अभी से क्यों बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं और करेंगे। और ये बात बिल्कुल तय है कि हम लोगों को बहुत सारे तरीके आते हैं अपनी बात को रखने के, बात को समझाने के। जो तरीके से वो समझेंगे हम उस तरीके से समझाएंगे। हम लोग अभी पहले प्यार से समझाना चाहते हैं, आपस में बैठ के समझाना चाहते हैं कि इन बातों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में निष्कर्ष निकल जाए कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को स्क्रीन चाहिए। जी, इस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे रणनीति बनाई जा रही है कि 5 तारीख को किस तरह से संघर्ष होगा। और इस बीच हमारे साथ यहाँ प्रकाश अवस्थी जी भी हैं, उनसे जानते हैं सर क्या तरीका होगा 5 तारीख को आंदोलन का। 5 तारीख के हम पूरा मल्टीप्लेक्स में जाबो और वहाँ पे बहुत गांधीगिरी के तरीके से, कोई उत्तेजना नहीं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ के जो दर्शक आई, पहले से हम व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से दर्शक मिलना मना करा था, प्रेस के माध्यम से हम दर्शक लवाना करा था कि वो दिन वो थिएटर में ना आए। अभी आपने तमाम तरह के कलाकारों और निर्देशकों और निर्माताओं की बात सुनी, उनका साफ कहना है कि उनका जो फिल्म है थिएटर में नहीं लगाया जा रहा है, उनकी छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ी फिल्म का उपेक्षा की जा रही है, जिसका पुरजोर विरोध करने के लिए उन्होंने निर्णय किया है 5 तारीख को सिनेमाघरों के सामने वो प्रदर्शन करने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि क्या इस प्रदर्शन के बाद सिनेमाघरों की मालिक इसके लिए राजी हो जाएंगे कि फिल्म छत्तीसगढ़ी फिल्म वहाँ सिनेमाघरों में लगाई जाए, या इनके ये उद्देश्य है कि सिनेमाघरों के माध्यम से सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि आगे सरकार भी सतर्क हो जाए कि इस तरह की उग्र आंदोलन नहीं होना है। तो कैमरामैन श्याम के साथ सत्यराज कुट, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।